अक्षय नवमी, मैं अक्षय नवमी की पूजा कर रही हूँ। मेरी सासू माता ने जैसे जैसे मुझे बताया, मैंने उस तरह से बहुत अच्छे से पूजा कर ली और मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा करके। पूजा करके आने के बाद फ्रेंड मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरी पैकिंग भी हो गई है। पैकिंग से लग ही गया है कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो बस मैं मायके जाने की तैयारी कर रही हूँ। ससुराल का इस बार का ट्रिप मेरा पूरा हो गया है, मेरी सारी तैयारी हो गई है, मेरा भाई भी आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजना होम रिफ्लेक्शन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा जो वीडियो है कई दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सर्दी जुकाम हो गया था, तो मैं 2-3 दिन तक वीडियो नहीं बनाई। और बस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरे वीडियो का, मेरे ससुराल का इस ट्रिप का लास्ट वीडियो है। और क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके और मेरा भाई मुझे लेने आया हुआ है, हम लोग तैयार हो चुके हैं और बस अब निकलने वाले हैं। मैं जा रही हूँ मायके, मायके जाने की बस खुशी बहुत ज़्यादा मन में है। मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ। देर हो रहा है क्योंकि सुबह का ही प्लान था निकलने का, बट खाना वाना खाते और सामान की पैकिंग करते मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बस मैं निकल रही हूँ। फ्रेंड, जब भी मैं मायके जाती हूँ या मायके से ससुराल आती हूँ, तो मेरी माँ या मेरी सासू माँ इस तरह से मुझे खोइछा दे करके, आँचल भर करके विदा करती हैं। तो इसी को खोइछा देना कहते हैं, जिसमें आँचल में चावल, पैसा, हल्दी, दूध ये सब दिया जाता है। तो सारा 5 बार दे करके उसमें से थोड़ा सा निकाल लेती हैं कि जल्दी वापस आने का कुसुभ करती हैं कि जल्दी वापस आना। बाबा का पैर छू लो, पैर छुओ, पैर छू बाबा का। ये देख कदम छूना। फ्रेंड, जिन रास्तों से मैं नोएडा से होकर के चुनार आई थी, बस उसी रास्ते से होते हुए मैं अपने मायके जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हम लोग देखो तो। फ्रेंड, चुनार में मेरा बहुत ज्यादा मन लगता है, एकदम दिल के करीब लगता है ये जगह मुझे, और बहुत अच्छा ट्रिप था। मैं यहाँ से जाते हुए अपनी सासू माता को देख करके बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। और अब मैं आ गई हूँ अपने भाई के हॉस्पिटल के पास, और ये कल्याण हॉस्पिटल है, जिसमें जो घर का ही हॉस्पिटल है। पापा और मेरा भाई, मेरी दोनों बहनें डॉक्टर हैं। बस मेरा भाई भी रुक गया और मेरी बहन मुझे लेकर चली गई कार ड्राइव करके। चलो चलो, मुशी देखो लेके जा रही है गाड़ी, मुशी घर ले जा रही है, मुशी हम लोगों को घर लेके जाएगी। पापा को बहुत शौक था कि उनकी चारों बेटियां कार ड्राइव करें, बट हम दोनों जो बड़ी बहनें हैं वो तो नहीं सीख पाए, लेकिन मेरी दोनों छोटी बहनें कार ड्राइव अच्छे से कर लेती हैं। दिखाना चाहती हूँ, तो देखिए बस जस्ट आने वाला है मेरा प्राइमरी स्कूल, तो देखिए। फ्रेंड, मैं अपने मायके के बहुत नजदीक आ चुकी हूँ और बस 1-2 मिनट में पहुंच जाऊंगी घर। घर जाने की अपनी अलग ही खुशी है। फ्रेंड, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सामने जो ये ऊंचा वाला घर है, वो मेरा घर है। बस मैं घर के कितने नजदीक आ गई, देखिए पतला वाला रास्ता घर तक ही जाता है। और फिर जब मैं घर
घर का टूर कराऊंगी, अपने गांव का टूर कराऊंगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी अपना पूरा गांव घर। तो बस ये घर है बाहर से। वीडियो बहुत ही दिल से बनाती हूँ, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके। चलो चलो बेटा चलो उतरो। अरे इधर दिखा प्यार करो बेबी से प्यार करो। ये पानी डालने वाला काम जो होता है, ये जब लड़कियां मायके आती हैं तो जरूर किया जाता है। तो बस मेरी मम्मी कर दी है और मैं अंदर जा रही हूँ। फ्रेंड तो मैं अपने वीडियो कहीं पेंट करूंगी और मेरा आने वाला ब्लॉग जो है आप लोगों को मेरे मायके का ही ब्लॉग देखने को मिलेगा जब तक कि मैं नोएडा नहीं जाती। और फिर मैं अपने अगले ब्लॉग में सबसे मिलवाऊंगी, अपनी फैमिली के सारे मेंबर से, और अपने घर का भी टूर कराऊंगी किसी दिन। तो चलिए बाय।